किसने ये फेंका है? अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और जी, मैंने फ्राइडे को मशीन लगाई थी, कपड़े वगैरह भी धोए थे और साथ में फर्श वगैरह भी धोती है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ रही थी। तो फिर मैंने व्लॉग जो है ना लेट स्टार्ट किया था, और ये जो है ना मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन शाम के टाइम। और यहाँ पर जी बच्चे वगैरह जो है ना आए हुए थे, फिर उनको जो है ना थोड़ा बहुत मैं खिला रही थी। और ये मेरी जो क्यूट सी भांजी है ना, इसकी आदत है ये जो कपड़े वगैरह लटक रहे होते हैं उनको मैं खींच लूँ, ताकि जितने भी कपड़े वगैरह ठहरे हुए थे, और सर्दी है आप लोगों को पता है, इतने जल्दी तो कपड़े सूखते ही नहीं हैं, तो बहुत सारा टाइम लेते हैं। तो तकरीबन मैं कहती हूँ सर्दी में हर घर में ही कपड़े ठहरे होते हैं लाजमी। तो ऐसे अब आप लोग इसकी शरारतें देखें। खाओ मम्मा, खाओ मम्मा, दो आप इधर हाथ पे भी, मुझे भी दो ना, मैं भी तो खाऊं। उई ना वे नीचे कीजिए, आ जाओ, आओ आइज वाला गुस्सा करो, अंशा अंशा गुस्सा करो, गुस्सा अंशा गुस्सा करो, कुछ आइज वाला, आइज वाला अंशा जी मम्मा गुस्सा करो, ऐसे गुस्सा आइज वाला जी जी नहीं है, नीचे नीचे खत्म हो गए, खत्म हो गए। कोके को आज भाई आज आओ, आज आज मैं था, आज मेरी जान, आज आओ चिदिका, आ जाओ आओ उठो, आ जाओ भाई आ जाओ भाई आ जाओ भाई चिदिका, आओ आओ गोदी में आ जाओ, आ जाओ गोदी में उठाओ, गोदी में उठाओ मैं अपने का। तो जी यहाँ पर आप लोगों ने मेरी क्यूट सी भांजी की शरारतें तो देख ही ली होंगी। तो बाहर जो है ना काम हो रहा था और शोर हो रहा था, जिसकी वजह से जो है ना मैं छुप के बड़ी मुश्किलों से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आप लोग वेदर देख सकते हैं कितना माशाल्लाह प्यारा होता जा रहा है, और साथ में फॉग भी ख़त्म होती जा रही है। और मैं ये छत के ऊपर जाके ना थोड़ा सा व्यू लेके आई थी। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही जी गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ना जो गेस्ट होते हैं ना वो अपनी अपना जो है ना वो कहते हैं ना अपना रिस्क खुद लेके आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो अपना खुद ही रिस्क लेके आते हैं। और जब मेहमान आते हैं मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और फिर जी यहाँ पर जो है ना पहले जो गेस्ट आए थे उनको जी हमने खाना वगैरह दे के रवाना कर दिया, तो चले गए थे घर से। फिर जी नेक्स्ट और गेस्ट आ गए थे, फिर मज़ीद और गेस्ट आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर उनके लिए जी चाय बनानी थी और गैस भी चली गई थी, तो फिर मैंने जी यहाँ पर चाय जो है ना फिर दोबारा सिलेंडर के ऊपर रख दी है। और यहाँ पर जी मैं इसको चाय को बनाती हूँ जल्दी से। और फिर मेरा बहुत दिल चाह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, फिर मैंने जो है ना जल्दी से अपनी चाय बनाई है और फिर मैंने भी पीना स्टार्ट किया। फिर जी ये सारा जितना खलारा वगैरह पड़ा हुआ है ना तो इसको समेटना था। फिर ये जो गेस्ट वगैरह कुछ आए हुए थे उनको मैंने फिर जो चीज़ें वगैरह देनी थी वो सर्व कर दी है। फिर उसके बाद ये सारा सामान वगैरह जो है ना इसको मैं उठाती हूँ। तब तक आप लोग जो है ना जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उस टॉपिक पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खलारा मचा हुआ है, तो जो है ना मैं जल्दी से इस खलारे को समेटती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अपना ये जितना मैसी मैसी सी किचन हुई हुई थी ना इसको मैंने समेट दिया जल्दी जल्दी से, ताकि जो है ना फिर अगेन जो और काम हो ना वो इजी हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है जब कहीं पर गंद हो या चीज़ें बिखरी हुई हो, तो मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी से उनको समेट लूँ फिर, ताकि मज़ीद और जो काम होते हैं ना वो इजी हो जाते हैं और खुशी से होते हैं। तो यहाँ पर जी फिर उसके बाद अपनी फैमिली के जो है ना गेस्ट वगैरह, सिस्टर्स वगैरह, कज़न्स वगैरह ये सब आए हुए थे, तो फिर उनके लिए जी खाना वगैरह कुछ बनाना था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आलू राइस वगैरह बनाए जाए, तो रोटी वगैरह पकाने की बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। अब भी मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो इस वजह से जो है ना वॉइस ओवर करते हुए भी आप लोगों को फील हो रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, और साथ में मैंने चोटें भी खाई। इधर देखो डालो फिर आपकी वीडियो, क्या चीज़ आप ही है?
और यहाँ पर जी मैं अपने फिर कज़न से साथ साथ कह रही थी कि मैंने आपकी पहली वीडियो जो अपलोड किया अब और आपकी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, तो कहती हैं हाँ ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है ना सभी माशाल्लाह कज़नों भांजो भतीजों सभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पर राइस वगैरह रख दी और उसके अंदर जितना भी मैं जो जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही है। और मैंने वीडियो को बहुत फास्ट कर दिया, वैसे नहीं जो गैस की हालत थी ना तो इसने बहुत ज़्यादा तंग किया है, इतना ज़्यादा तंग किया कि जो काम मतलब कि 15 मिनट में 10 मिनट में होता था वो 2-2 घंटों में हुआ है। तो साथ साथ सलाद भी जो है ना भाभी ने कट कर दी थी, तो फिर मैंने उसको जो है ना मिसाला वगैरह लगा दिया था, उनको अच्छी तरह से वो कर दिया था, सलाद को एकदम वो कहते हैं ना ज़बरदस्त बना दिया था। फिर उसके बाद ये जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो साथ साथ मैं वॉश करती रहती हूँ ताकि इस तरह जितना भी खिला रहा है ना वो जल्दी समेटा जा सके, और अगर ये बिखरा बिखरा रहे ना तो मेरी बहुत ज़्यादा जैसे वो कहते हैं ना इंसान की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, मेरा वैसे हाल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर मैंने जो है ना राइस को दम पर लगा दिया था, तो ये जब तक दम पे लगे हुए हैं यहाँ पर जी सिस्टर जो है ना उनके हस्बैंड लेके आए थे फिश, तो वो कह रहे थे कि ना जो मिसाला वगैरह में लगा के दे, क्योंकि सभी को जो है ना वैसे तो उनका इरादा था कि आप हमें पका के दो, लेकिन जो है ना मेरे अंदर पकाने की मत नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको मिसाला वगैरह लगा के ना दे देती हूँ, क्योंकि सभी को मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है फिश। तो यहाँ पर जी मिसाला फ़िश वाला मिसाला बिल्कुल भी नहीं रखा होता, तो फिर मैं जो है ना ऐसे करती हूँ कि जितने भी मिसाले वगैरह होते वो अपनी मर्ज़ी से मैं चुन के ना इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, और उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़िश रेडी हो जाती है और सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पर जी मैं उनका जो है ना सारे मिसाले वगैरह आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ और आप लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं, वैसे इसी तरह से जो है ना मैं इनको मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं चम्मच के साथ करूँ, लेकिन क्या करूँ मैं ज़ख़म था हाथ के ऊपर, तो मैं कोशिश कर रही थी कि चम्मच के साथ इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँ, लेकिन नहीं हो रहा था मिक्स, तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से फिर हाथ के साथ ही स्टार्ट कर दिया। तो मिसाला लगा तो है, लेकिन यह है कि कोशिश किया कि मैं ज़ख़म के ऊपर ना लगे, लेकिन क्या करें लगना तो था इसका। तो फिर उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे राइस भी बन चुके हैं। यहाँ पर जी सभी को करते हैं सर्फ, तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकी पान, टाटा बाय बाय।